नागेश्वर महादेव की नगरी ग्राम दसोड़ा में ग्रामवासियों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है एवं श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होने पर तोला दान की मन्नत दी जाती है। नागेश्वर महादेव जी ने ग्रामवासियों को पहले नाग देवता के रूप में दर्शन दिए, लेकिन कुछ ग्रामवासियों ने सामान्य सर्प समझकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसके पश्चात भगवान स्वयं पृथ्वी के गर्भ शिवलिंग के रूप में जन्म लिया और ग्रामवासियों को दर्शन दिए। उसके पश्चात दूसरे गांव और आसपास के गांवों में चर्चा हुई और हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन सैलाब के रूप में उमड़े और जैन बस के मालिक ने मंदिर बनवाने का वादा किया और मंदिर बनवाया भी। 1991 से प्रतिवर्ष यूं ही नारायण जोशी के द्वारा पूजा हवन किया जाता है। ग्रामवासियों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने पर तुला दान भी करते हैं। नागेश्वर महादेव जी की महिमा का गायन सुनील कुमार वासकेल ने अपने मुखारविंद से भजन के माध्यम से किया है। धर्मपुरी से सुनील वासकेल की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े धर्मपुरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा में, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम आज जानते हैं हमारे धर्मपुरी के आए हुए पंडित जी से। सर आपका नाम? मेरा नाम नारायण जोशी है जी, मैं धर्मपुरी निवास करता हूँ जी। सर यहाँ पर जो अभी ये कार्यक्रम रखा गया है, ये किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये क्या है कि आज के दिन इनका जन्म हुआ था जी। यानी यहाँ पे एक रोकड़े टाइप ज़मीन थी जी, और उस पर प्रातः सुबह 6:35 पे, आज की तारीख यानी 28/6/91 को सवेरे धरती हिली जी। कुछ लोगों ने आकर के देखा जी। तो यहाँ पे एक लिंग दिखाई दी जी। उसके बाद में उसको साफ सफाई करी, एक नाग महाराज का जोड़ा दिखा जी। उस नाग महाराज के जोड़े ने ऊपर सिर रखा जी। उसके बाद में कुछ लोगों ने पत्थर मारे, किन्ने कहा मारो, किसी ने कहा मत मारो जी। उसके बावजूद मारा तो वो नाग यहाँ से 20 फीट दूर चला गया, फिर वो जमीन फिर ली तो लिंगार्चन पूरा निकला बाहर, और निकलने के बाद लोग सब दूर हट गए। वो नाग वहाँ से वापिस आया और लिंग के ऊपर आ गया। अब आने के बाद लोगों ने पत्थर मारे, तो पत्थर मारने से क्या हुआ कि उनको गले में पत्थर लग गए। लगने के कारण यहाँ पे कुछ लोग अच्छे से समझदार तो घर मेरे पिताजी के पास आए, और उन्होंने उनको कहा कि भाई आप लोगों ने उनको पत्थर मारा है, तो पत्थर मारने के बाद वो 1 घंटा तक जीवित रहेंगे, वगैरह नहीं रहेंगे। कंडीशन ये हुई कि वो पिताजी भी यहाँ आए, हम सब पूरा परिवार यहाँ दर्शन करने के लिए आए, यहाँ आए थोड़ी देर है, पिताजी ने उनको दूध पिलाया और फिर धीरे से नीचे उतर के वहीं पे शांत हो गए। शांत होने के बाद उनको बाकायदा यहाँ उनके अस्थि निकाली गई, गंडे से जलाया, प्योर घी से जलाया, और जलाने के बाद धूमधाम से नर्मदा किनारे सर्प का जो है अस्थि संचय किया गया। तो उस दिन से इसकी महिमा बहुत बड़ी हुई है, और आज के दिन ही इनका जो है उद्गम स्थान है, ये स्वयं वो भगवान शिव है। यानी इसकी महिमा लोग अभी जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वयं वो भगवान अपने ला के नहीं बिठाए इनको, ये स्वयं आकर के विराजित। इस गांव की उन्नति आप 1991 से लेकर आज तक देख लो, सभी गाँव में एक सब टाप रहे थे कौलू वाले, लेकिन आज की स्थिति में देख रहे इस गाँव की महिमा भोलेनाथ की कृपा से आज सब सर्वपन्न लोग हैं। क्षणिक मात्र को जैसे है तो वो भी भगवान चाहेगा तो भोलेनाथ की कृपा से पूरा गांव उन्नति में हो सकेगा, इसीलिए आज के दिन इनका जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज जो बाबा भोलेनाथ का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में हम जनता से जानते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर इस भंडारे का आयोजन करते हैं। आपका नाम? बलराम कनेर। जो आज ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, ये कब से और क्यों किया जा रहा है? ये 1991 में 28 जून 1991 को यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और यहाँ के ग्रामवासियों को दर्शन दिए थे। जब हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन उस समय से यहाँ पर भगवान शिव का जन्मोत्सव मनाया जाता है और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पूरे ग्रामवासी और आसपास के जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास के पूरे क्षेत्र के आते हैं और इस भंडारे में सहयोग भी करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि बारिश का मौसम है, अगर पानी गिरता है तो यह भंडारे का आयोजन कैंसिल होता है या कि नहीं होता? नहीं, ये भंडारा कभी कैंसिल नहीं होता है और हमेशा ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भगवान स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए। विश्व में अभी मैंने कहीं पर ऐसा सुना नहीं है कि कहीं पर भगवान प्रकट हुए हैं, स्थापित हुए, यही सुना है, पर यहाँ पर ग्राम दसोड़ा में भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान स्वयं ये स्वयंभू है और नागेश्वर महादेव मंदिर
के नाम से विख्यात है और यहाँ की महिमा भी अपार है। जैसे कि सर ने बताया था कुछ देर में कि यहाँ के ग्रामवासियों की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन आज बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे ग्रामवासी, सभी मकान पक्के हैं, यहाँ पर अधिकांश हर एक घर से नौकरी में भी है, तो बहुत ही उन्नति और प्रगति हुई है यहाँ पर। लगभग इस भंडारे में कितनी जनसंख्या? यहाँ पर जनसंख्या तो अनगिनत आती है, क्योंकि आसपास का पूरा क्षेत्र आता है, इसका कोई अनुमान मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत आती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।